नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई क्रूज ड्रग पार्टी केस में पकड़ने जाने के बाद मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। 20 अक्टूबर को सेंसर्स कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। इसके बाद से आर्यन खान और उनके परिवार की चिंता बढ़ गई है। बेटे आर्यन खान की मदद कर पाने में पिता शाहरुख खान काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में बेटे से मिलने और उसका हाल लेने के लिए शाहरुख खान गुरुवार सुबह आर्थर रोड जेल पहुंचे। जेल में इससे पहले कोरोना के चलते आमने सामने मुलाकात बंद थी। आपको बता दें, बुधवार को महाराष्ट्र के जेलों में कैदियों और उनके परिजनों के आमने सामने न मिलने के प्रतिबंध को हटाया गया है। ऐसे में शाहरुख जल्द से जल्द बेटे आर्यन से मिलने पहुंचे और उनसे बातचीत की। आर्यन खान पिछले 14 दिनों से आर्थर रोड जेल में बंद है। ऐसे में शाहरुख वीडियो कॉल के जरिए बेटे से बात कर पा रहे थे। 21 अक्टूबर को आर्थर रोड जेल जाकर शाहरुख खान ने आर्यन से सामने से बात की। आपको बता दें, इस बातचीत के दौरान बाप और बेटे के बीच शीशे की दीवार थी। दोनों ने इंटरकॉम के जरिए बात की। यह बात 16 से 18 मिनट चली। दोनों के साथ जेल के अधिकतर भी लोग मौजूद थे। शुरुआत से खबर आ रही है कि शाहरुख बेटे को लेकर परेशान है। शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान ने पहले आर्यन से वीडियो कॉल पर बात की थी। जेल के कैदियों को हफ्ते में 2 बार परिवार से वीडियो कॉल पर बातचीत की इजाजत थी। ऐसे में दोनों ने आर्यन का हाल लिया था। खबर है कि जमानत न मिलने पर आर्यन परेशान है और उन्होंने जेल में सभी से बात करना बंद कर दिया है। बताया जा रहा था कि दोनों ही बेटे के लिए परेशान है और उसकी सेहत को लेकर जेल के अधिकारियों से जानकारी लेते रहते हैं। शाहरुख शुरुआत से ही आर्यन खान को लेकर चिंतित है और एनसीबी और जेल के अधिकारियों से कांटेक्ट में लगातार बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि आर्यन खान जेल के अंदर काफी परेशान है। उन्हें जेल का खाना भी पसंद नहीं आता। वहाँ बाप के कैदियों से यही कहते हैं कि वह निर्दोष या उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्यन को जिस कारक में रखा गया है वहाँ एक पतली सी चादर और गिनी चुनी चीजें दी गई हुई हैं। आर्यन खान पर लगे आरोपों की बात करें तो एनसीबी ने उन पर ड्रग्स लेने और इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े होने का मुकदमा किया है। आर्यन खान की जमानत की याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेंसर्स कोर्ट से खारिज की जा चुकी है। अब उनके वकीलों ने मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका पर आने वाले मंगलवार यानी 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस बीच उन्हें जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।